हमारे साथ मौजूद हैं राहिला टाना साहबा, सबका डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली। हम उनसे बात करते हैं पीपल्स पार्टी से इतनी गहरी वापसी की, पीपल्स कॉन्फेडरेशन से दीदी की, और ख़ासतौर से आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत के साथ आप इतने अच्छे रास्ते, इसके बावजूद आखिर क्या वजूहत थी कि आपने पीपल्स पार्टी को बुला लिया? आज जो मैं यही लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगी, मैं बहुत अरसे से ये कह रही हूँ, जो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पीपल्स पार्टी बनाई थी, आज वो पीपल्स पार्टी नहीं है। रोटी कपड़ा और मकान का जो नारा था, जो उसके पीछे चलने वाले लोग थे, क्या इस वक्त आप देखती हैं कि वो पीपल्स पार्टी में मौजूद है? पीपल्स पार्टी में उनमें से कौन है, आप खुद मुझे बता दो। हर शख्स बाहर बैठा हुआ है, आवाम को यकीन ही रहा नहीं रहा आप सियासतदानों के ऊपर, और उसके साथ साथ वही वो लोग आवाम इसीलिए नहीं कर रहा कि आप लोग जो है खाली वोट लेके आगे आते हैं और जाते हैं, वो तो मजबूरन वोट देता है आप लोगों में से। आप लोग जाएं और ऐवानों में पहुंचे, पहुंच करके आप उनके मसाइल हल करें, पर वो मसले हल नहीं। मैं किसी मजबूरी को नहीं मानती, मजबूरी का दूसरा नाम है सह लेना।